बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने अपने 52वें बर्थडे पर शुभकामनाओं के बदले फैंस को रिटर्न गिफ्ट दिया। अक्षय ने जन्मदिन के खास मौके पर अपनी नई फिल्म पृथ्वीराज का टीजर वीडियो रिलीज किया है। ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए अक्षय ने लिखा, अपने बर्थडे पर अपनी पहली पीरियड ड्रामा फिल्म के बारे में बताते हुए बहुत उत्साहित हूँ। सौभाग्य है मेरा कि इसमें हीरो का रोल प्ले करने का मौका मिला है। अक्षय ने लिखा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान मेरी सबसे बड़ी फिल्मों में से एक। फिल्म का प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के हाथों में है और इसका निर्देशन डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी कर रहे हैं। यहां तक इस फिल्म की रिलीज डेट की बात है तो ये फिल्म अगले साल दिवाली पर रिलीज होने जा रही है। हालांकि इस टीजर वीडियो में अक्षय कुमार का पृथ्वीराज लुक अब तक रिवील नहीं किया गया है। टीजर में अक्षय कुमार का चेहरा नजर नहीं आ रहा। टीजर के वीडियो में दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक, फिल्म का लोगो और जंग के मैदान में पृथ्वीराज चौहान के साथ खड़े हजारों सिपाहियों को दिखाया गया है। पृथ्वीराज चौहान का नाम इतिहास में ऐसे महान योद्धाओं में दर्ज है जिन्होंने दुश्मन के सामने हार नहीं मानी। राजस्थान के अजमेर और दिल्ली की सल्तनत पर शासन करने वाले पृथ्वीराज चौहान कुछ अपनों की दगाबाजी के शिकार हुए और युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। मगर कैसे हार कर भी पृथ्वीराज ने अपने दुश्मन गौरी को कैसे खत्म किया, यही कहानी उन्हें सबसे महान योद्धा बनाती है। वैसे अभिनेता अक्षय कुमार समाज में जागरूकता से लेकर ऐतिहासिक भूमिकाओं पर पहले भी फिल्म कर चुके हैं। इस साल सारागढ़ी की लड़ाई की ऐतिहासिक घटना पर बनी फिल्म केसरी भी रिलीज हुई थी जिसमें अक्षय ने लीड रोल निभाया था। फिल्म के समीक्षकों के साथ ही दर्शकों को भी इस फिल्म में उनका भरपूर सहयोग मिला था। उससे पहले भी टॉयलेट, पैडमैन, गोल्ड, हाल ही में रिलीज हुई मिशन मंगल जैसी फिल्मों से जागरूकता के साथ ही इतिहास से रूबरू करवाया था। अब पृथ्वीराज की भूमिका में अक्षय कितना न्याय कर पाएंगे ये तो उनकी आने वाली फिल्म ही बताएगी।